17 साल की जॉब हुई, अब तक जितनी कर्मियों की तालीम हुई 3 दिन या 6 दिन की, 10 दिन की लास्ट ईयर 10 दिन की तालीम हुई थी मैथ्स और साइंस दोनों की। तो सभी तालीमें को इकट्ठा करके हमने गिने ना, तो 120 दिन तक आज तक हमने तालीम ली है। 120 दिन? हाँ, 120 से भी ज़्यादा है। इसमें जो आती रहती हो तो ये सभी तालीमों के बाद हमको ऐसा लगा कि आज ये जो IIT की तालीम हमको जो वर्कशॉप में मिली, ऐसी कभी तालीम हमको कभी नहीं मिली। 365 दिन लगे तब क्या हालत होगी धरती की? धरती ऐसे जाएगी तो क्या होगा? गुजरात में हमेशा दिन दिन रहेगा, ये चौथा कारण है। अगर धरती पर धुरी पर घूमने की समय 365 दिन हो जाए या धरती के चारों तरफ जाने की स्पीड 24 घंटा हो जाए तो गुजरात में हमेशा दिन ही रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है इसलिए हमारे यहाँ दिन रात। दूसरी गली में जाते थे तो इतना इन्वॉल्वमेंट, तो आपने बताया इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मतलब तो हम आप ही बोलते हो पहले दिन आए थे, अरेंज मैरिज होने दिया था, किया था। आप ऐसे हैं, आपके साथ ट्रेनिंग में जाते हैं मगर कुछ नहीं करते, क्योंकि करने का मन ही नहीं है। अच्छा, ये सर बोल रहे हैं पहले बात बोलो सही है, मुझे लगा तो बोलना चाहिए ये सही है, ये व्यथा सही है। तो सूर्य ग्रहण हर 6 महीने बाद लगता है, और ये बात किताब में, फिर से मैं बोल रहा हूँ, किताब में आप दो चित्र बनाकर नहीं कर सकते, क्योंकि वो बात दिखेगी नहीं। और जरूरी नहीं है 90 डिग्री पर हो, असल में चांद इस प्लेन में 5 डिग्री पर जाता है। उससे ज्यादा नया कुछ हमने को सीखने को मिला, उससे भी ज्यादा बेटर बहुत सारे खिलौने दिखे हमने बनाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि गुजरात सरकार या गवर्नमेंट सबसे कि हमारे टीचर्स के लिए अगर साइंस और मैथ्स की बात करें तो ट्रेनिंग की वजह ऐसे वर्कशॉप का आयोजन किया जाए और कभी कभी बच्चों के साथ भी किया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। आप सब लोगों ने, एक ही लाइन में बोलूंगा, आप सब लोगों ने हमारा बचपन 3 दिन के लिए लौटा दिया।